जबलपुर पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायत पर गुम हुए 51 मोबाइल फोन को किया बरामद। मोबाइल फोन को पाकर मोबाइल धारकों के खिल उठे चेहरे। सभी मोबाइल धारकों ने गोरखपुर पुलिस का जताया आभार। गोरखपुर पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड रुद्रांश पांडे को किया गिरफ्तार। शातिर रुद्रांश ने फेक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर बैंक से 4,45,00,000 का लोन लेकर किया था फ्रॉड। गिरफ्तार आरोपी के पास से लग्जरी कार, लैपटॉप, आधार, पैन कार्ड समेत तमाम कूटरचित दस्तावेज किए गए बरामद, भेजा जेल। 21 जनवरी से 13 फरवरी तक चलाया जाएगा स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान। खिचड़ी मेले में स्टॉल लगाकर लोगों को बीमारी के प्रति किया जा रहा है जागरूक। लगातार चल रही पछुआ हवा से न्यूनतम तापमान के गिरने का दौर है जारी। मौसम विभाग ने अभी 3-4 दिन ऐसे ही मौसम रहने का जताया है अनुमान। गोरखपुर में कांग्रेस की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान पर कोतवाली थाने में मुकदमा किया गया पंजीकृत। बगैर अनुमति के पुतला दहन और प्रदर्शन करने का लगा था आरोप। जनपद के सभी तहसीलों में गुरुवार को मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। लोगों को किया जाएगा जागरूक, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सदर सांसद रवि किशन ने केक काटकर बालिकाओं को अपने हाथों से केक खिलाकर मनाया धूमधाम से। कहा, जिनकी है बेटियां करना चाहिए गर्व। परिवहन विभाग की तरफ से जनपद में मनाया गया ड्राइवर डे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले ड्राइवरों को किया गया प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित। क्षेत्रीय प्रबंधक वल्लभ कुमार ने दी जानकारी। सदर सांसद रवि किशन ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह लोग हो चुके हैं खत्म। जब कोई इंसान इस तरह का शब्द बोलता है तो समझ लीजिए कि वह हो चुका है पागल। उत्तर प्रदेश दिवस पर विकास भवन परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी का सदर सांसद रवि किशन ने फीता काटकर किया शुभारंभ। प्रदर्शनी का किया अवलोकन। कहा, उत्तर प्रदेश ऐसा है प्रदेश जहां रहते हैं प्रभु श्री राम व भगवान श्री कृष्ण।